हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नीला मोहम्मद किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, और ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। ये सूखी गुजिया है, तो आप इसे किसी भी व्रत त्यौहार या फिर किसी भी ऐसे एक फंक्शन में बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना, और आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टफिंग तैयार करना है। तो मैंने कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म हो जाने दें। फिर मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आप यह भी मोटी सूजी भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप इसे इस तरह से लगातार भूनते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो लीजिए, हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर भून गई है। और यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट और नारियल का बूरा और चीनी। अच्छे से इसे मिक्स कर दें। और मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। बस हमें नारियल को बूरे को भूनना नहीं है, उसे सिर्फ इसी के साथ मिक्स कर देना है। तो लीजिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। मैं इसे थाली में निकाल कर ठंडा कर ले रही हूँ। तो जब तक ये हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर आटा गूंद लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। और इसे अच्छे से हाथों से मिलाते हुए हमें मैश करना है। बिल्कुल अच्छे से इसे मिला देना है सेम तरीके से, देखिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। मैंने यहाँ पे पानी गर्म या ठंडा नहीं लिया है, नॉर्मल पानी लिया है जो रूम टेम्परेचर का होता है। और इसका हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना है, क्योंकि हमें इसमें डालना है स्टफिंग। टाइट आटा रखने से स्टफिंग डालने के बाद वो फट जाती है, इसीलिए हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। तो ये देखिए, आटा भी हमारा लग चुका है। और अब हमें इसकी बना लेनी है छोटी छोटी सी लोई। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई बना रही हूँ, क्योंकि इसे हमें पूरी के शेप का बेलना है और फिर इसमें हमें स्टफिंग करना है। तो मैं इसे ऐसे चकले में बेल ले रही हूँ, बस इसे बड़े साइज का, जितने साइज का हमारा ये सांचा है उतने साइज का। तो सांचे में लगा लीजिए थोड़ा सा तेल, ताकि ये हमारी जो गुजिया है वो चिपके नहीं इसमें। बस इस तरीके से तेल या घी आप कुछ भी लगा लें, और इस तरह से इसे रखना है ऊपर से और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और इसमें अब हमें डाल देना है अपना स्टफिंग। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ, और बस इसे दूसरे साइड से हमें मोड़ते हुए अच्छे से फोल्ड कर देना है। और अच्छे से इसे चारों तरफ से हमें प्रेस करके दबा लेना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें निकाल कर फिर साइड रख देना है। और इसे बिल्कुल अच्छे से चिकना कर दे, ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। इस तरीके से दबा दे, और इसे अच्छे से हमें खोलना है, ताकि हमारी गुजिया का शेप बिगड़े नहीं। और ये देखिए, हमारी एक गुजिया तैयार हो गई है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक थाली में, और सेम प्रोसेस से हम अपनी दूसरी गुजिया बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसे पूरी का शेप देना है, और इसे अच्छे से इसमें सेट करना है। एक साइड में गुजिया स्टफिंग डालना है, और दूसरे साइड से इसे अच्छे से हमें दबाते हुए बंद कर देना है, और एक्स्ट्रा आटा हमें निकाल देना है। तो ये लीजिए, हमारी दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है। और ये मैंने एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है, और थोड़ा सा इसे मैं चिकना कर ले रही हूँ। और ये लीजिए, हमारा गुजिया दूसरा निकल गया है। मैं इसे निकाल ले रही हूँ थाली में। तो चलिए चलते हैं इसे छानने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म किया है, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। और बस मैंने एक एक करके सारी गुजिया इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे डाल दिए, और जैसे ये फूल रहा है ये खुद ब खुद पलट जा रहा है। तो एक तरफ से इसे अच्छे से सिक जाने के बाद हमें दूसरी तरफ से इसे पलट देना है, और दोनों तरफ से इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो लीजिए, मेरी गुजिया तैयार हो गई है। मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक थाली में, और सेम प्रोसेस में मैं अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारी दूसरी गुजिया तैयार हो रही है, और मैंने इसे ऐसे तेल में डाल दिया है। और ये लीजिए, हमारी गुजिया तैयार हो गई है। ये सूखी गुजिया है, आप इसे चाशनी में भी डुबा सकते हैं, बट मैंने नहीं डुबाया है, क्योंकि हमारे तरफ इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। और इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।